गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आप सबका नव भारती स्कूल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इस टाइप की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप की होती है। हमें उसको सॉल्व करते हैं तो हमें कैसी वैल्यूज मिलती है, रियल नंबर मिलता है। ठीक है, रियल नंबर मिलता है तो हम उसमें क्या देखेंगे कि जो रियल नंबर देता है उसको डी वैल्यू, जो वैल्यूज निकलती है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस का 4ac, ये डी के वैल्यू बराबर होती है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है तो हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है हमें। ठीक है, अगर ये लेस देन जीरो होती है तो हमें नेगेटिव वैल्यूज मिलती है। ठीक है, अब हम कंसीडर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर जो ये कोफिशियंट है ए बी सी, ये कैसे कोफिशियंट है, रियल कोफिशियंट है, रियल वैल्यूज कोफिशियंट। ठीक है, ए है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, बी और सी जीरो के बराबर हो सकते हैं बट ए जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब हमने अज्यूम कर लिया लेट बी स्क्वेयर माइनस 4ac किस जीरो से छोटा है। ठीक है, वो जीरो से छोटा है। ठीक है, तो वैल्यूज कैसी आएगी, अंडर रूट में नेगेटिव में आएगी। ठीक है, नेगेटिव में आएगी तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, आइटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो जो आइटा के फॉर्म में लिखा जाता है तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जो इसका सॉल्यूशन है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो कैसे टाइप कर, कैसे लिखा जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का बी माइनस सॉरी प्लस माइनस इधर ही लिख दिया हमने, एक बार यहाँ प्लस लिख लेते हैं और दूसरी बार हम यहाँ माइनस कर लेते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a, या फिर हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये था हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको सॉल्व करना। ठीक है, यानी कि वैल्यू जो आएगी इसकी कॉम्प्लेक्स आएगी। ठीक है, अगर हम पॉलीनोमियल, हमने जैसे वन रूट लिया, यहाँ पर अगर हम रूट इसकी जो ऑर्डर है वो टू लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, जो इसकी वैल्यू आएगी एक्स की वो क्या आएगी, दो वैल्यूज आएगी। ठीक है, एक वैल्यू अलग होगी दूसरी वैल्यू अलग होगी। ठीक है, जैसे हमने ले लिया इसी को सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा x+x+1। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x+1, इसमें से वन कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x+1 इज इक्वल टू जीरो, x+1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या है -1 और -1, यानी कि जो हमारे पास ऑर्डर टू था तो हमारे पास वैल्यू भी क्या है, दो आई। अगर हम यहाँ पर पॉलीनोमियल ले ले एन की टर्म में एक्स की एन प्लस, ठीक है, यहाँ पर एक्स की एन माइनस वन सोन ऐसे कुछ ले ले, ठीक है, यानी कि ऑर्डर हमारा क्या है एन, तो हमारे पास रूट कितने आएंगे, रूट भी क्या आएंगे, एन आएंगे, यानी कि एन टर्म आएंगे रूट्स की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे, पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 स्क्वेयर, दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो यहाँ पर स्क्वेयर के ऊपर रूट लगाएंगे माइनस 2 पे रूट लगाएंगे, स्क्वेयर का रूट करेंगे तो क्या आएगा, ये स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा इज इक्वल टू माइनस रूट 2 आइटा माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1 रूट और 2 रूट माइनस
रूट किसको कहते हैं हम, आयटा को, तो इसको हम कह सकते हैं आयटा रूट टू। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू क्या है, वन, बी की वैल्यू वन, सी की वैल्यू वो भी वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डी निकालेंगे डिटरमिनेंट। ठीक है, डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वैल्यूज पुट करेंगे, बी की वैल्यू वन माइनस फोर, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू वन। ठीक है, तो क्या आया, वन का स्क्वायर वन माइनस फोर यानी कि माइनस थ्री, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव थी यानी कि वैल्यूज क्या आएगी एक्स की, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू है। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, बी की वैल्यू माइनस वन, वन पुट करेंगे बी की तो माइनस वन हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की हम वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या थी, माइनस थ्री अपॉन में टू, ए की वैल्यू वन, तो क्या है, एक बार प्लस ले लेते हैं अंडर रूट माइनस थ्री को और एक बार माइनस ले लेते हैं, जब एक बार प्लस ले लिया हमने और एक बार हम ले लेते हैं माइनस। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास, एक्स की वैल्यू माइनस वन प्लस आयटा रूट थ्री अपॉन में टू, और एक क्या है एक्स की वैल्यू माइनस वन माइनस आयटा रूट थ्री अपॉन में टू, ये हमारी एक्स की वैल्यूज आ गई। ठीक है, सेम इसी तरह हम ये पहले वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसमें भी कंपेयर कर लो चाहे तो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है वन, बी की जीरो और सी की टू, वही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालेंगे, बी की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो, माइनस फोर, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू टू यानी कि माइनस का एट आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू क्या फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, जीरो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का एट का रूट अपॉन में टू इंटू में वन, तो क्या आया प्लस माइनस आयटा रूट एट अपॉन में टू, रूट एट को कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्या आएगा प्लस माइनस आयटा टू रूट टू अपॉन में टू, इस टू से ए टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया प्लस माइनस रूट टू। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट टू, यही हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व करना है, इक्वेशन दे रखी है रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज क्या आएगी, ए की वैल्यू रूट फाइव, बी की वैल्यू वन, सी की वैल्यू रूट फाइव। ठीक है, ये वैल्यूज आएंगे, अब हम डी निकालेंगे, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वैल्यूज पुट करेंगे, वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू में रूट फाइव इंटू में रूट फाइव। ठीक है, तो क्या आया वन माइनस का फोर इंटू में फाइव, रूट फाइव को रूट फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फाइव, तो वन माइनस फोर फाइव का ट्वेंटी, तो यानी कि क्या है वैल्यू, माइनस का नाइनटीन, वो क्या है लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अब कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी, तो उसका हम फॉर्मूला क्या, एक्स का माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन में टू है। वैल्यूज पुट करेंगे, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, रूट फाइव माइनस का रूट फाइव प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू माइनस का 19 अपॉन में 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है रूट 5, बी की वैल्यू हमारी थी 1, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1, ठीक है। तो क्या आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस आईटा रूट 19 अपॉन में 2 रूट 5, ये हमारी क्या होगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर करेंगे, कंपेयर गिवन इक्वेशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 3। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, डी की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 हो गया, माइनस का 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3, माइनस का 12 यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन 0 होगी। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स के लिए क्या करेंगे माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, वैल्यूज पुट कर देंगे, बी की वैल्यू 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस का 12 अपॉन में 2, a की वैल्यू 1। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3, और माइनस को हम क्या लिखेंगे माइनस रूट को आइटा अपॉन में 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा प्लस माइनस आइटा रूट 3, यानी कि एक बार रूट 3 आइटा प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम भी इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कंपेयर इसको हम नाम दे दें फर्स्ट इक्वेशन, कंपेयर फर्स्ट इक्वेशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा ए की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्या पहले तो ये लिख देते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे डी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी की वैल्यू 1 यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 4 टू जा 8 माइनस का 7 यानी कि लेस देन 0 आए। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स के फॉर्मूला क्या है माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, बी की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है माइनस 7 अपॉन में 2, ए की वैल्यू 2, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी अब माइनस 1 प्लस माइनस आईटा रूट 7 अपॉन में 4, ठीक है। तो एक बार एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी और एक बार प्लस में, ठीक है। ये हमारी एक्स की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है, ये हमारा आंसर था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स क्यू स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू आई 3, सी की वैल्यू आई 9, डी निकालेंगे
डी क्या होता है बी स्क्वेयर माइनस का 4ac, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, बी की वैल्यू 3 का स्क्वेयर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9। 3 का स्क्वेयर क्या होगा 9, माइनस का 4 9 जा 36, ठीक है। तो वैल्यूज क्या आएगी 27, ठीक है, नेगेटिव में, यानी कि लेस देन 0। अब हम निकालेंगे एक्स, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, बी की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस का 27 अपॉन में 2, a की वैल्यू 1, माइनस का 3 प्लस माइनस रूट माइनस का 27 की वैल्यूज क्या होगी आइटा 3 रूट 3 अपॉन में 2, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार x प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा, ये हमारी दो वैल्यूज आ गई x की, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए की वैल्यू क्या है माइनस का 1, बी की वैल्यू आई 1, सी की वैल्यू आई माइनस का 2। डी निकालेंगे, बी स्क्वेयर माइनस का 4ac, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, बी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वेयर 1 होता है, माइनस का 4, ए की वैल्यू क्या है माइनस 1, सी की वैल्यू क्या है माइनस 2, तो क्या है 1 माइनस 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 प्लस, फिर एक और माइनस है वो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि वैल्यूज आएगी डी की माइनस 7, क्या है लेस देन 0। अब हम एक्स निकालेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। बी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 7 अपॉन में 2, a की वैल्यू माइनस का 1, ठीक है। माइनस 1 प्लस माइनस आइटा रूट 7 अपॉन में माइनस का 2, ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो x की वैल्यूज क्या होगी 1 माइनस प्लस आइटा रूट 7 अपॉन में 2, ठीक है। तो x की वैल्यूज क्या आई 1 माइनस आइटा रूट 7 अपॉन में 2, और दूसरी क्या आई 1 प्लस आइटा रूट 7 अपॉन में 2, ये x की दो वैल्यूज आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज क्या आएगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5। डी निकालेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 5, 3 का स्क्वेयर 9 माइनस 4 इंटू में 5, 9 माइनस का 20 माइनस का 11, लेस देन 0 है ये भी। अब हम क्या निकालेंगे x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस का 4ac अपॉन में 2, ये x का फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करो, b की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस का 11, 2, a की वैल्यू 1, ठीक है। माइनस का 3 प्लस माइनस आइटा रूट 11 अपॉन में 2, ये x की वैल्यू जा गई। एक बार हम इसको प्लस में लिख देंगे, और एक बार हम माइनस में लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
कंपेयर करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो वैल्यूज आएगी ए की 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 2, ठीक है। डी निकालेंगे, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की वैल्यू क्या है -1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2, -1 का स्क्वायर 1, माइनस का 4 × 2 = 8, -7 वैल्यू है वो क्या है less than 0। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x का फॉर्मूला माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। बी की वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करेंगे -7 अपॉन में 2, a की वैल्यू पुट करेंगे 1, -1 × -1 क्या हो जाएगा +1 प्लस माइनस आइटा रूट 7 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार प्लस में लिख देंगे 1 प्लस रूट आइटा रूट 7 अपॉन में 2 और दूसरी क्या आ जाएगी 1 माइनस आइटा रूट 7 अपॉन में 2। ये हमारी x की वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, √2x² + x + √2 = 0। कंपेयर करेंगे इसको भी किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² + bx + c = 0। a की वैल्यू क्या है √2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू √2। d निकालेंगे, d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac, b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर - 4, a की वैल्यू √2, c की वैल्यू भी √2, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 - 4। √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, इससे क्या आ जाएगा 1 - 4 × 2 = 8, यानी कि d की वैल्यू -7 वो क्या less than 0 है। x निकालेंगे, x का फॉर्मूला कहता है -b + √b² - 4ac अपॉन में 2 है। वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है 1 तो -1 हो जाएगा, +b² - 4ac की वैल्यू -7, 2 × √2 -1 + √-7 को क्या लिख सकते हैं √7 अपॉन में 2√2। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या है, एक बार प्लस में लिख देंगे इसको -1 + √7 अपॉन में 2 और एक बार माइनस में लिख देंगे -1 - √7 अपॉन में 2। ये हमारी x की वैल्यू जा रही, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3x² - √2x + √3 = 0। कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर √3, b की वैल्यू -√2 और c की वैल्यू 3√3। d निकालेंगे, d की फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, b की वैल्यू क्या है -√2 तो -√2² - 4, a की वैल्यू √3, c की वैल्यू 3√3, ठीक है। -√2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, -4 × √3 क्या हो जाएगा वो भी 3, तो 3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 9, तो वैल्यू 2 - 4 9 = 36, तो ये आ जाएगा -34 वो भी क्या less than 0। x निकालेंगे, x की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है -b + √b² - 4ac अपॉन में 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है -√2 +b² - 4ac वैल्यू -34 अपॉन में 2 × a की वैल्यू √3, √-√2 और आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा +√2 + √34 अपॉन में 2√3।
थ्री, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार इसको हम प्लस में लिख देंगे, एक्स तो रूट टू प्लस आइटा रूट 34 अपॉन में टू रूट थ्री, ठीक है। और एक बार माइनस में लिख देंगे, रूट टू माइनस आइटा रूट 34 अपॉन में टू रूट थ्री, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस का वन बाय रूट टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कंपेयर करेंगे हम इसको किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर गिवन इक्वेशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए की वैल्यूज क्या है, वन, बी की वैल्यू वन, सी की वैल्यू वन बाय रूट टू। डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस का फोर ए सी। बी की वैल्यू क्या है, वन, वन का स्क्वेयर माइनस का फोर, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू क्या है, वन बाय रूट टू, वन का स्क्वेयर वन माइनस का फोर अपॉन में रूट टू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वन माइनस फोर अपॉन में रूट टू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू अपॉन में रूट टू ये लिख सकते हैं, ये वैल्यू है डी की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस का फोर ए सी अपॉन में टू है। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वन, तो माइनस का वन प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या है हमारी, वन माइनस टू रूट टू अपॉन में टू इंटू में ए की वैल्यू क्या है, वन। वैल्यू इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू पुट करने का, माइनस का वन प्लस माइनस वन माइनस टू रूट टू अपॉन में टू। एक बार एक्स की वैल्यू को क्या कर देंगे हम, प्लस में लिख देंगे, वन माइनस टू रूट टू अपॉन में टू। और एक बार माइनस में लिख देंगे, माइनस का वन माइनस रूट वन माइनस टू रूट टू अपॉन में टू। ये क्वेश्चन हमारा यही पर, इसका आंसर आ गया। तो एक्स की वैल्यू आई हमारे पास वन माइनस रूट टू माइनस रूट टू अपॉन में टू। और एक बार आई वन प्लस वन माइनस टू रूट टू अपॉन में टू, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स अपॉन में रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सेम पहले की तरह सोल्व करना है, इसमें ए की वैल्यू निकाल लेनी है, ए की वैल्यू वन आएगी, बी की वैल्यू वन बाय रूट टू, सी की वैल्यू वन, डी निकाल लेंगे। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस का फोर ए सी, वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या आएगा, वन बाय टू माइनस का फोर, एलसीएम ले लेंगे टू वन माइनस एट यानी कि माइनस का सेवन बाय टू। एक्स निकाल लेंगे, एक्स का फॉर्मूला माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस का फोर ए सी अपॉन में टू ए। वैल्यूज पुट करेंगे, बी की वैल्यू क्या, वन बाय रूट टू प्लस माइनस माइनस का सेवन बाय टू अपॉन में टू, ए की वैल्यू वन, माइनस का वन प्लस माइनस आल्टा रूट सेवन अपॉन में रूट टू अपॉन में टू। एलसीएम ले लेंगे ऊपर भी, तो वैल्यूज क्या आएगी, माइनस का वन प्लस माइनस आल्टा रूट सेवन अपॉन में टू रूट टू, ठीक है। तो इसको एक बार हम प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी
हमारा इसका आंसर आ गया। आज की हमारी एक्सरसाइज यहीं पर ही खत्म होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर सकते हो।